मुझे पता है कि तुम इस वक्त एक ऐसी स्थिति में आ गए हो जहाँ कुछ भी समझ पाना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत परेशान हो ना, कभी मुझसे प्यार करने आ रहे हो, कभी मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, कभी दृढ़ विश्वास दिखा रहे हो, कभी विश्वास खो दे रहे हो, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे पास आया हूँ। इसीलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हारे कष्ट देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि अब तुम और दलदल में फंसते जा रहे हो, एक ऐसी स्थिति में आ गए हो कि हर वक्त अपना प्रमाण देना पड़ता है, अपनी सच्चाई का प्रमाण, अपने चरित्र का प्रमाण, सब दिख रहा है मुझे। मुझे ये भी दिख रहा है कि कैसे लोगों के व्यवहार बदल रहे, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव वहाँ से किया जा रहा है जिनके तो तुम शायद लायक भी नहीं थे, जिनसे तुम कहीं ऊपर थे। लेकिन याद रखना, ये साईं सबके कर्मों का फल देता है। जब कोई मेरे सच्चे, मेरे इतने प्यारे अच्छे बच्चे को रुलाता है ना, तो मैं उसे माफ़ नहीं करता। याद रखना, तुम्हारे साथ न्याय करके रहूँगा, सब्र रखने अब नहीं कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा न्याय तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम्हारा न्याय बहुत जल्दी हो रहा है। तुम्हारे न्याय होने से ना, तुम्हारे सारे गीले शिकवे सब दूर हो जाएंगे। जो अब तक देर लग रहा था, जो अब तक संघर्ष लग रहा था, वो साईं प्रसाद में बदल जाएगा। खुश रहो।